दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की हंसा देने वाली ऐसी ऐसी कारनामे दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर भाई आपका भी इंटरनेट डेटा फुल वसूल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा वरना आप काफी कुछ फनी क्लिप्स मिस कर देंगे। दोस्तों चूहे और बिल्लियों के लफड़े तो सदियों से चलते आ रहे हैं, जिसमें कभी बिल्ली चूहे पर भारी पड़ जाती है तो कभी उल्टा चूहा ही बिल्ली की पुंगी बजा जाता है, जैसे कि इस फनी क्लिप्स में देखिए, जहां ये चूहा महाराज खाने की तलाश में बिल से बाहर निकलता है, जिसके बाद सामने नजर दौड़ाते ही उसे एक नहीं बल्कि दो दो सरप्राइज देखने को मिले। बेचारे चूहे को लगा कि उसे आज भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन जैसे उसने अपने आसपास देखा तो वहां दो बिल्ली पहले से ही उसके इंतजार में घात लगाए बैठे थे। दरवाजा खोल के दे, लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए बाबा। सही कमरे में आए तुम लोग। ओ तो आप गलत कमरे में आ गए। जा भाई जा जा, जा। ए, अपन भी सही कमरे में आए। लगता है हम लोग गलत होटल में आ गए। मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है ताले? भाई साहब अब जानवरों को खाना देना भी बड़ा रिस्की हो गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बड़े प्यार से इन्हें खाना देने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये बदमाश हमारी ही बाट लगा देती हैं। और भाई ऐसा कल का दुश्मन कोई दूसरा जानवर नहीं बल्कि ये बंदर जनाब भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अंकल जी एक बंदर को बिस्किट खिलाते हैं, जहाँ ये बंदर बड़े मजे से बिस्किट खाने में बिजी है, लेकिन फिर जब पूरा बिस्किट खत्म होने चला तो ये बंदर भाई ऐसे भड़का कि अंकल पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। साले नकली माल बेचता है ये गंजी फ्रॉक, साला सेठ का असली माल चुरा के हमको नकली माल देता है। कुत्तों को हमेशा से ही दूसरे जानवरों से उंगली करने की चुल मची होती है। ये जब भी किसी नए अलग जानवर को अपने सामने पाते हैं तो तुरंत उस पर चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ इस कुत्ते भाई और एक ग्राउंड हॉग के बीच जमकर मारामारी शुरू हो गई, जहाँ मुकाबला काफी टक्कर का था, लेकिन तभी कुत्ते के ओनर ने रेफरी की तरह बीच में आकर इन दोनों का बॉक्सिंग फाइट छुड़वा दिया। और तब भाई इस ग्राउंड हॉग की रिएक्शन तो देखिए, जो कि यही सोच रहा होगा साला ये कबाब में हड्डी अचानक से कहाँ आ पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने? सुधार है बाबा तुझा। कहते हैं कि शेरों की पकड़ से शिकार का छूट पाना इम्पोसिबल होता है, जो कि कुछ हद तक सच भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। और ये हमें इस क्लिप में देखने को मिला, जहां एक सेबल एंटीलोप इस झील के किनारे पानी पी रहा था कि तभी पीछे से एक शेरनी आकर उस पर धावा बोल देती है, पर इस सेबल एंटीलोप ने हार न मानते हुए अपने खंजर जैसे सिंग उसके ऊपर ऐसे चुभाया कि बेचारी शेरनी उसे छोड़ फौरन वहां से गिरते पड़ते हुए भागती नजर आई। तेरी बहन की लक्की है क्या माइला? ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। बाल बाल बच गया रे देवा। यहाँ एक सीधा साधा बेचारा कुत्ता इन दो बदमाश रकून्स के बीच फंस गया, जहाँ एक रकून कुत्ता भाई को झप्पी दे रहा है और दूसरा रकून उसके तहखाने की छानबीन कर रहा है। बेचारा कुत्ता सोच रहा होगा, अरे भाई ये किस तरह के लोग हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पर भी तलाशी करते हैं। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मेरे भाई बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, कम से कम दूसरे घर तो चट्टी पहन के आना चाहिए था ना। अभी पता चलेगा। कितना पावड़ा खाता है दबा के।